कुछ नहीं, सी ठीक रोड से आ रहे थे अपने अपने, तो उसको शायद ये हैवी है क्या, इसकी ब्रेक नहीं लगी टाइम से, तो वो थोड़ी दरवाजे के साथ हो गया। वो उसको कह रहे हैं कि नहीं गलत है, ब्रेक क्यों नहीं लगा। वो कह रहा है मैं मेरे ठीक था लफ्ज, मेरे हिसाब से तो इनकी उसकी गलती है। इस समय मैं नेशनल हाईवे में हूँ, जहाँ पर एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट का मामला सामने आया था, जिसके चलते बीचों बीच गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और गाड़ी की जिस तरीके से यहाँ पर जाम जैसे हालात थे उसे निकालने का पूरा प्रयास इस समय किया जा रहा था। एक ट्रक है जिसके साथ ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके चलते एक गाड़ी के साथ टक्कर जो है लगी है। फिलहाल जो है प्रशासन पुलिस यहाँ पर आपके समक्ष देख रहे थे किस तरीके से यहाँ पर जाम जैसे हालात यहाँ पर पैदा हुए थे। इस समय मैं नेशनल हाईवे में हूँ बड़ी ब्रह्मा इलाके में, जहाँ पर एक गाड़ी के साथ जो है ये ट्रक का कुछ हिस्सा जो है लगा था, जिसके चलते यहाँ पर सेंटर में ही गाड़ी कुछ समय के लिए, जब दोनों पार्टियों के बीच में बहसबाजी की जा रही थी, तो यहाँ पर हंगामा जैसे हालात जो है देखने को मिले हैं। फिलहाल पुलिस आई थी और फिलहाल जो है आगे भी ले चलता हूँ मैं, पुलिस आई थी और गाड़ी को जो है आगे ले जा चुके हैं और जो हालात थे उसे ठीक करने का प्रयास इस समय किया जा रहा था। नेशनल हाईवे में जिस तरीके से आए दिन एक्सीडेंट की वारदात पेश आती है, आए दिन लोग जो है एक्सीडेंट का शिकार होते हुए नज़र आते हैं, बड़ा ही एक दुखद रहता है। मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा, हमेशा आप ध्यानपूर्वक ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि इस समय नेशनल हाईवे का काम जो है चल रहा है और नेशनल हाईवे के काम चलते हुए हमेशा आप देखते हैं कि एक्सीडेंट की वारदात पेश आती है। एक ट्रक के साथ जो है घटना पेश आई है, फिलहाल क्या कारण रहा, क्योंकि ये छोटी सड़क है और छोटी सड़क के साथ साथ हमेशा आप देखते हैं कि एक्सीडेंट की वारदात हमेशा पेश आती है। एक ट्रक के साथ ये पूरी घटना पेश आई है, फिलहाल पुलिस मौके पर आती है और ट्रक को कस्टडी में यहाँ पर लेकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस समय मैं नेशनल हाईवे में हूँ और नेशनल हाईवे में हमेशा आप देखते हैं कि ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिलती है। ट्रक के साथ एक गाड़ी के साथ जो है हिट हुआ है, जिसके कारण मौके पर पुलिस यहाँ पर आती है, ट्रक और गाड़ी को यहाँ पर लाती है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच में इस समय कंप्रोमाइज होगा शायद या नहीं, फिलहाल ये देखेंगे। ट्रक है, एक ट्रक के साथ जो है पूरी घटना पेश आई है, ये दूसरी गाड़ी है, क्योंकि इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है, रोड है सिंगल है और हमेशा जो है देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट की वारदात पेश आती। फिलहाल बड़ी ब्राह्मणा पुलिस यहाँ पर आई हुई है और फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच से बात चल रही है क्या पूरा मामला हुआ। फिलहाल आपके समक्ष में जेके चैनल के माध्यम से जरूर रखूँगा। फिलहाल ट्रक है और ट्रक के साथ हिट हुआ है ये गाड़ी। फिलहाल वहाँ पर मौके पर आए हुए हैं जो सिक्योरिटी गार्ड इस समय अमरनाथ यात्रा में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रक था जिसके साथ एक गाड़ी का हिट हुआ है, फिलहाल दोनों ही पार्टी लेडीज जो है गाड़ी को चला रहे थे, इस ट्रक के साथ हिट होता है। और फिलहाल ये नेशनल हाईवे का विजुअल है जो आपको मैं जेके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। फिलहाल किसकी गलती थी किसकी नहीं वेरिफिकेशन का पार्ट रहेगा। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच में इस समय आपको मैं विजुअल आगे से दिखाने का प्रयास करूँगा, आगे बोलूँगा सहयोगी को आगे ले चले। आगे तक आप देखेंगे जहाँ पर एक गाड़ी है, इसी गाड़ी के साथ ये पूरा मामला सामने आया। इस समय नेशनल हाईवे प्रभावित है, अमरनाथ यात्रा चल रही है और हिट हुआ है ट्रक के साथ। फिलहाल मौके पर बड़ी ब्राह्मणा पुलिस आती है और दोनों पार्टियों के बीच में समझौता किया जा रहा है। कोई गलती नहीं है यार, तेना पीछे से लिया के तेना गाड़ी ऐसे ही। अच्छा, क्या बात क्या हुई, मैं उधर से गाड़ी कितनी दबाऊं साइड में यार। अच्छा, सिंगल रोड था इसी कारण हुआ। हाँ,